हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि डिस्टिलेशन क्या है, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ आप लोग से यह भी प्रॉमिस किया था कि मैं आने वाला जो वीडियो होगा उसमें डिस्टिलेशन के प्रकार के बारे में बतलाने वाला हूँ कि डिस्टिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे डिस्टिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप सभी लोग को ये अच्छी तरह से जानकारी मिल सके कि जो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो कितने प्रकार का होता है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला पोर्ट स्टील मेथड, दूसरा पैटेंट स्टील मेथड। तो गाइस, दोनों को हम वन बाय वन अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। पहला है पोर्ट स्टील मेथड। गाइस, पोर्ट स्टील मेथड एक ऐसा डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें फर्मेंटेड माश को, है ना, जो भी फर्मेंटेड माश ऑफ फ्रूट या ग्रेन्स जो होता है उसको एक बड़े कॉपर प्लेट में, है ना, एक बड़े से कॉपर पॉट में उसको गर्म किया जाता है। जैसे ही इस माश को गर्म किया जाता है ना, ये जो फर्मेंटेड माश है एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। इस वाष्प को ट्रैप करके पाइप के थ्रू उसे कूलिंग चैम्बर में पहुंचाया जाता है ना, जहां पर उसे कूलिंग कंडेंसर के द्वारा उसे ठंडा किया जाता है, ठीक है। जैसे ही ये वाष्प ठंडा होना शुरू होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि लिक्विड में बदल जाता है, जिसे अल्कोहलिक डिस्टिलेट कहा जाता है। तो गाइस, इस तरह से जो पोर्ट स्टील मेथड है एक सिंगल प्रोसेस मेथड है, ठीक है गाइस, जिसके अंदर जो भी फर्मेंटेड मास है उसको एक बड़े से कॉपर पॉट में गर्म करते हैं। जब ये गर्म किया जाता है तो ये जो फर्मेंटेड मास है वाष्प में बदल जाता है, स्टीम में बदल जाता है, जिसे ट्रैप करके, है ना, पाइप के थ्रू कूलिंग चैम्बर में पहुंचाया जाता है और वहां पर ठंडा किया जाता है। तो इससे अल्कोहलिक डिस्टिलेट जो है बनाया जाता है इस तरह से गाइस। सेकेंड जो है गाइस, दूसरे नंबर का जो है पैटेंट स्टील मेथड, यानी कि इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में गाइस, जो फर्मेंटेड जूस होता है उसे एक हॉट कॉपर प्लेट में ब्लो कराया जाता है, कंटिन्यूअसली उसमें डाला जाता है। जैसे ही ये फर्मेंटेड जूस हॉट कॉपर प्लेट के टच में आता है, ये एवोपोरेट शुरू होना हो जाता है, यानी कि वाष्पीकरण इसमें शुरू हो जाता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है, ठीक है गाइस। जैसे ये वाष्प बनना शुरू होता है, इन सारे वाष्प को, स्टीम्स को कलेक्ट करके पाइप के थ्रू कूलिंग चैम्बर में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है गाइस, जहां पर इसको कूलिंग कंडेंसर के द्वारा ठंडा किया जाता है। जैसे ये वाष्प ठंडा होता है लिक्विड में चेंज हो जाता है, जिसे अल्कोहलिक डिस्टिलेट कहा जाता है। तो गाइस, इस पैटेंट स्टील मेथड में ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। तो गाइस, इस तरह से जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो दो प्रकार का होता है, पोर्ट स्टील मेथड यानी कि सिंगल प्रोसेस मेथड और पैटेंट स्टील मेथड यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस मेथड। तो गाइस, इसी तरह से जो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो दो प्रकार से होता है। गाइस, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इस तरह का होटल से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी नॉलेज से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं।